बताइए सर। ये R15 है, R15 है 2022 का मॉडल है जी जी। फर्स्ट नंबर ने शोरूम से लिया है और कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हमने बेच दिया अपने। अच्छा, बेच दिए आपको। ये 2013 एंडिंग का मॉडल है, क्लासिक 350। क्लासिक 350 2013 एंडिंग का मॉडल है। क्लासिक 350 का ज्यादा रिसेल रहता है जी जी। कोई भी कस्टमर फर्स्ट चॉइस क्लासिक 350 की रहती है उसकी जी जी। ये 200 है, ये KTM 200 के नाम से जानी जाती है। देख लीजिए किस तरह से दिखाई दे रही है, कोई भी एक्सीडेंटल का ऐसा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पर पूरा दिखा देता हूँ, देख लीजिए चारों तरफ से देख सकते हैं। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है सीक्रेट बातें फॉर यू। दोस्तों आज मैं आया हूं नागपुर के ऐसी जगह पे जिसे स्टार ऑटो डील के नाम से यहां पर जाना जाता है, और यहां पर बताना चाहूंगा मैं सेकंड हैंड गाड़ियों का जो मेला है टू व्हीलर का, यहां पर आपको जो है देखने को मिलेगा। देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियां यहां पर जो खड़ी है, फुल इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको जो है मिलने वाली है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आपको पूरी गाड़ियां दिखाई दे रही है, जैसे कि एक्टिवा मोपेड यहाँ पर पूरे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग केटीएम की बात करते हैं तो ये भी यहाँ पर जो है अवेलेबल होने वाला है। उसी तरह से अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर में पूरी गाड़ियां रखी है। तो आइए हम लोग ऑनर से अगर बात करते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस देख सकते हैं स्टार ऑटो डील के ऑनर यहाँ पर हमारे साथ है। तो सर बताइए सर आपका नाम। हमारा नाम आसिफ शेख है, स्टार ऑटो डील जी। ये अच्छा, तो मुझे बताइए आपके पास किस प्रकार की गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल होती है? सभी टाइप की गाड़ी अपने पास, स्पोर्ट्स बाइक है। अच्छा, और स्प्लेंडर, पैशन, शाइन। अच्छा, मोपेड से लेके बाइक पूरा यहाँ पर मिलेगी, और स्पोर्ट बाइक वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, बुलेट। अच्छा, बुलेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल होने वाली है। तो आइए हम लोग एक एक गाड़ी के बारे में यहाँ पर जानते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सर कौन सी गाड़ी के बारे में बताना चाहते हैं आप पहले? गाड़ी तो सभी, खासकर इसके बारे में बताना चाहता हूँ। R15 है, KTM है, 200। ओके, तो हम लोग सबसे पहले बुलेट से चालू कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर तो रॉयल एनफील्ड यहाँ पर दिखाई दे रही है, बताइए सर इसके बारे में। ये 2013 एंडिंग का मॉडल है, क्लासिक 350। क्लासिक 350 2013 एंडिंग का मॉडल है। क्लासिक 350 का ज्यादा रिसेल रहता है जी जी। कोई भी कस्टमर फर्स्ट चॉइस क्लासिक 350 की रहती है उसकी जी जी। और अगर इसके अगर ईयर की बात करें तो 2013 यहाँ पर बताया आपने, और डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट पूरे ओके मिलेंगे अपने। अच्छा, डॉक्यूमेंट ज्यादातर फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर गाड़ी मिलेगी। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड ओनर की गाड़ी यहाँ पर मिलेंगी, मैक्सिमम फर्स्ट ओनर की मिल रही है, सेकंड ओनर की भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो इसका प्राइस क्या रखे आपने अभी? प्राइस तो इसको 1,20,000 रूपए रखे हैं। अच्छा, नेगोशिएट हो जाएगा उसमें कम ज्यादा हो जाएगा, कम ज्यादा उसमें हो जाएगा। और फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। अच्छा, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, कम से कम 70% फाइनेंस हो जाता है। अच्छा, यानी 30% डाउन पेमेंट रहेगा, 70% यहाँ पर फाइनेंस हो जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड आपको दिखाई दे रही है, प्राइस 1,20,000 यहाँ पर रखा गया है, कम ज्यादा हो जाएगा, नेगोशिएट हो जाएगा, ऑन टेबल आओगे बात करोगे कम ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, बताइए सर। ये R15 है, R15 2022 का मॉडल है जी जी। फर्स्ट नंबर ने शोरूम से लिया है और कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हमने बेच दिया अपने। अच्छा, बेच दिए आपको जी, सिर्फ 10 किलोमीटर चली है। सिर्फ 10 किलोमीटर, 6 महीने पुरानी है। सिर्फ 6 महीने पुरानी है गाइस, देख सकते हैं लुक आपको गाड़ी का दिखाई दे रहा है, पूरा मेंटेन कंडीशन में है, 2,51,000 की गाड़ी है। अच्छा, प्राइस की बात करें, शोरूम प्राइस 2,51,000। अच्छा, शोरूम प्राइस है, शोरूम है, मैंने 251 की गाड़ी है। अच्छा, और आपके पास कितने में अवेलेबल है? 2 लाख में देना है इसको। अच्छा, इसको 2 लाख में यहाँ पर बेचना है, डॉक्यूमेंट पूरे ओके है, मेंटेन कंडीशन में मिल रही है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी यहाँ पर मिल रही है। और जैसे कि अगर इसके मेंटेनेंस की बात करते हैं तो पूरा मेंटेन कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में, सिर्फ 10 किलोमीटर चलिए से। अच्छा, सिर्फ 10 किलोमीटर चलिए। तो गाइज अगर आपको अच्छी लगती है तो 2 लाख रुपए में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसको आप अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे की गाड़ी की बात करते हैं, KTM 200 है, KTM 200 के नाम से जानी जाती है। देख लीजिए किस तरह से दिखाई दे रही है, कोई भी एक्सीडेंटल का ऐसा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पर पूरा दिखा देता हूँ, देख लीजिए चारों तरफ से देख सकते हैं। 2021 एंडिंग की गाड़ी है, 2021 एंडिंग की गाड़ी है। ओके, 275 की शोरूम है ये। अच्छा, 2,75,000 शोरूम प्राइस है गाइस। आपके पास कितने में? 180 में देना है, लाख रुपए कम में।
अच्छा 1,80,000 रुपए में आपका डिसाइड किया गया है, कम ज्यादा इसमें हो जाएगा निगोशिएट? थोड़ा बहुत कर देंगे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा फर्स्ट ओनर गाड़ी मिल रही है, देख लीजिए आपको दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, एकदम मेंटेन कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में मिल रही है। फाइनेंस जैसे बताया यहाँ पे 70% यहाँ पर हो जाएगा, 30% डाउन पेमेंट है। आगे चलते हैं KTM Duke के बारे में। KTM Duke 200 है जी, 2018 का मॉडल है। 2018 का मॉडल है, देख लीजिए गाइस किस तरह से दिखाई दे रही है। ये कोई भी ऐसे अपने एक्सीडेंटल वाली तो नहीं है? एक्सीडेंटल का काम ही नहीं करते भी। अच्छा यानी कि सब मेंटेन कंडीशन में और पूरे रनिंग कंडीशन में, वन किक में स्टार्ट वाली बोली रहेगी सभी, सेल्फ स्टार्ट से लेकर हर एक टाइप की आपको यहाँ पर मिलने वाली है गाइस। ठीक है बताइए इसके बारे में डॉक्यूमेंट कैसे रहेंगे? ओके डॉक्यूमेंट पूरे ओके, सभी ऑल ओवर गाड़ी के आपके डॉक्यूमेंट पूरे ओके मिलेंगे। अच्छा कोई अगर कम रहता तो आप बना के देंगे? वो तो पूरे एटोजेट बना के देंगे, बना के डॉक्यूमेंट में कोई कमी हुई तो कैसे फाइनेंस ही नहीं होता है। अच्छा डॉक्यूमेंट में कमी रहा है तो फाइनेंस ही नहीं होता है, पूरे डॉक्यूमेंट ओके मिलेंगे। अच्छा तो बताइए सर इसके प्राइस के बारे में क्या रखे आपने? ये 2018 का मॉडल है। 2018 का मॉडल जी, ये 1,40,000 रखे हैं, कम ज्यादा कर देंगे। 1,40,000 यहाँ पे डिसाइड किया गया गाइस। हाँ। और ये कम ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा, 2 लाख रुपए की शोरूम है ये भी गाड़ी। अच्छा शोरूम प्राइस इसका 2,00,000 रुपए रहता है जैसे। हाँ। आप सभी को तो पता ही है 1,40,000 डिसाइड किया गया है। स्टार गाइस देख लीजिए, यहाँ पर आकर फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए चलते हैं आगे की गाड़ियों में। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं इनके शॉप के अंदर मैं आया हूँ। अरे यहाँ पर भी आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, स्प्लेंडर से लेके हर एक टाइप की यहाँ पर मिलने वाली है, देख लीजिए। ठीक है इधर भी आपको KTM Duke दिखाई दे रही है और यहाँ से हम लोग तो शुरू करते हैं, हम लोग ऐसे पहली गाड़ी से देखते हैं इसके बारे में। तो सर बताइए इसके बारे में। ये सीबी हॉर्नेट है, होंडा की गाड़ी जी। ये 2017 का मॉडल है। 2017 का मॉडल है, डॉक्यूमेंट पूरे ओके मिल रहे हैं, फाइनेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है, टायर की कंडीशन भी बढ़िया दिखाई दे रही है, रनिंग कंडीशन में है, मेंटेन कंडीशन में। इसकी प्राइस 75,000 है। अच्छा 75,000। अच्छा 75,000 यहाँ पर रखी गई, देख सकते हैं 75,000 के हिसाब से। ये अगर आपको अच्छी लगती है तो नीचे में आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, वहाँ पर जाकर फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको पूरी गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके देख लीजिए, ये 2015 एंडिंग की गाड़ी है। 2015 एंडिंग की जी जी। और इसके डॉक्यूमेंट? इसके डॉक्यूमेंट भी सब ओके मिलेंगे। अच्छा 55,000 में देना है। 55,000 में देना है, यानी कि 55,000 रुपए में यहाँ पर बेचना है। थोड़ा बहुत कम कर देंगे, कम यहाँ पर हो जाएगा, कम ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए ये भी गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद आगे में चलते हैं KTM Duke 2014 एंडिंग। 2014 का एंडिंग का मॉडल है गाइस ये। गाड़ी पूरी फर्स्ट ओनर है और क्लास गाड़ी है। अच्छा फर्स्ट ओनर की गाड़ी मिल रही है और क्लास गाड़ी है। 90,000 है प्राइस इसका। प्राइस इसका 90,000। 90,000 में कम ज्यादा हो जाएगा? और कम ज्यादा कर। अच्छा 90,000 डिसाइड किया गया गाइस और कम ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। उसके बाद आगे की गाड़ी की बात करते हैं, एवेंजर है यहाँ पर, एवेंजर क्रूज है। अच्छा ये गाड़ी अभी भी चल रही है क्या? डिजिटल मीटर है, 2018 टॉप एंड मॉडल। अच्छा टॉप एंड मॉडल है, देख लीजिए डिजिटल मीटर के साथ मिल रही है और बढ़िया कंडीशन में है। क्या प्राइस है इसका भी? ये सर 70,000 रुपए। 70,000 रुपए देख लीजिए गाइस, 70,000। 1,30,000 की शोरूम है जी जी जी, देख लीजिए बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है यहाँ पर। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ओनली वर्थ 70,000 में यहाँ पर आपको मिल रही है, कम ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा, फाइनेंस यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग, उसके बाद देखते हैं ये पल्सर AS है, पल्सर 2016 की। 2016 की जी, ये सिर्फ 40,000 में मिल रही है। ये सिर्फ 40,000 रुपए में, देख लीजिए गाइस पल्सर 16 फर्स्ट ओनर आपको यहाँ पर मिल रही है। ये 2018 का मॉडल, वो इसका क्या रहेगा प्राइस? 62,000 रुपए, कम ज्यादा शोरूम है ये। अच्छा जी उसके आगे में ये पैशन प्रो, पैशन 2018 का मॉडल है। 57,000। ओके ये 1,00,000 रुपए की शोरूम है जी जी। ये स्प्लेंडर 2020 जी, उसके आगे में ये अपाचे 200 2018 प्राइस? ये अपाचे 200 2018 75,000। 75,000 रुपए में कम ज्यादा हो जाएगा। और पीछे ये हॉन्ग क्या प्राइस? ये हॉन्ग है 2011 की। इसका क्या प्राइस रखे? ये 30,000 रुपए में आ जाएंगे फाइनल। 30,000 रुपए में फाइनल आ जाएंगे। तो गाइस ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिनिमम कितने रेट से यहाँ पर चालू हो रही है अपने पास? अपने पास 15,000-20,000 से स्टार्ट है, 2-2 लाख रुपए तक के बाइक है। अच्छा तो ये तो अभी बाइक की बात होगी, तो आपके पास एक्टिवा मोपेड इस टाइप की एक्टिवा भी रहती, मेस्ट्रो भी रहती, डुएट भी रहती जी जी, इस टाइप मिल जाएंगी। और भी अपने गोडाउन में भी बहुत सारी गाड़ियां रखी रहती है। अच्छा तो उतनी सारी गाड़ियां यहाँ आती नहीं है जी जी, तो जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट रही है गाड़ी होना वो गाड़ी होना, तो अपने गोडाउन से बुला के इधर अवेलेबल करके देते हैं जी जी। कोई भी कस्टमर यहाँ से वापस नहीं जाता, जिसको जो भी गाड़ी चाहिए उसको यहाँ अवेलेबल करके मिल जाएगी। ओके तो सर अभी हम लोग एक्टिव होगा के बारे में बात करते हैं, तो आइए चलते हैं हम लोग।
तो सर अभी आप कौन सी गाड़ियों के बारे में बताना चाहते हैं? ये एक्टिवा 5G है 2019 की। 2019 का मॉडल, इसका 60,000 रुपए प्राइस है। 60,000 रुपए हो जाएगा जी जी, और 70% फाइनेंस भी हो जाएगा। 70% फाइनेंस भी हो जाएगा। कंडीशन में फर्स्ट ऑनर है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट ओके जी जी जी। ये 2017 की है जी, वेस्पा LML वेस्पा। अच्छा हाँ, ये सिर्फ 40,000 में देना है अपने। अच्छा सिर्फ 40,000 में जी। और ये 2009 की एक्टिवा न्यू मॉडल, ये 30,000 में देना है। 30,000 रुपए में जी। ये 2013 की मेस्ट्रो जी, ये भी 30,000 में देना है। 30,000 में ओके जी। ये 2014 की स्कूटी पेप है जी, 25,000 में देना है फाइनल। 25,000 में फाइनल देना है ओके। और ये जुपिटर क्लासिक है टॉप एज मॉडल जी जी। ये शोरूम प्राइस इसकी 1,06,000 रुपए है, 60,000 रुपए में देना है। 60,000 रुपए में ओके, एकदम शोरूम कंडीशन है, वेल कंडीशन जी जी। और ये 2022 की एक्टिवा है 6G। 6G ओके, 2022। ये क्या प्राइस है? 75,000। 75,000 रुपया पर रखा है। 98,000 इसका शोरूम प्राइस है जी जी। 75 में देना है फाइनल ओके। तो अभी ये जो भी गाड़ियां बताई इसमें कम ज्यादा हो जाएगा पूरा? इसमें कम ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, और फाइनेंस भी हो जाएगा। अच्छा, जिसका सिविल अगर खराब भी है जी, उसको भी फाइनेंस प्रोवाइड करके देते हैं, प्राइवेट फाइनेंस होता है उसका जी जी। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया हूँ कि आपको यहाँ पर बाइक से लेके मोपेड से लेके हर एक प्रकार की गाड़ी यहाँ पर मिल रही है। अपना ऑफिस है ये नागपुर में जी, गांधीबाग में आता है ये एरिया। अच्छा, नियर हज हाउस शौकत अली चौक, गांधीबाग, रजवाड़ा पैलेस, यहाँ पर अपनी शॉप है। आइए और हर प्रकार की गाड़ियाँ अवेलेबल मिल जाएंगी आपको, और सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है गाइस, इनका ही नंबर है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई टाइमिंग वगैरह है कॉल करने का बता दीजिए? कॉल करने का टाइमिंग ऐसा 11 से लेके 8, 8:30, 9 बजे तक के भी कॉल कर सकते हैं। अपनी शॉप खुल जाती है सुबह 10:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक की शॉप ओपन रहती है। ओपन रहती है, और संडे को 3 बजे तक की शॉप रहती है जी। और जिसको ज्यादा ही अगर रिक्वायरमेंट रही तो उसको संडे को अपन पूरा दिन भी दे सकते हैं। सो गाइस, फाइनली यहाँ पर अपना जो वीडियो यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। आपको आज का वीडियो कैसे लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके जो बताना, साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नागपुर के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनते रहेंगे जो कि मैं धीरे धीरे बनाते जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।